नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। जिला पदाधिकारी रमन कुमार मोतिहारी पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी में आज जिला पदाधिकारी रमन कुमार के नेतृत्व में राजा बाजार से मीना बाजार समेत कई चौक चौराहे की जगह पर अतिक्रमण मुक्त करवाए गए। साथ ही हिदायत दी गई कि 14 दिसंबर तक के अंदर जो कोई भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमित किए वो स्वतः जगह को संबंधित लोग खाली कर दें, अन्यथा प्रशासन बलपूर्वक खाली कराएगा और कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। मौके पर सदर एसडीओ प्रिय रंजन राजू, सीओ मोतिहारी, डीसीएलआर, नगर परिषद के सभी स्टाफ सहित दर्जनों पुलिस बल मौजूद थे। व्हाइट डीएम रमन कुमार, रिपोर्टर संतोष राउत। कर लिया तो सामान सुरक्षित, नहीं खाली किया तो टूटेगा। एक जमीन के टुकड़े में जहां पानी था वहां केवल पानी होगा। ना हम म्यूनिसपालिटी का रोड बनने देंगे, ना दुकान लगने देंगे, ना कोई सेटल करने देंगे। कर्मचारी कहाँ गया? पीछे घूमने आए। आप बताइए कि मोती झील कहाँ तक था? आप बताइए अयूब साहब, सब टूटेगा। ये हटा लीजिए, इसको पता होना चाहिए, इनको पता होगा दादी माँ को कहाँ तक मोती झील था। जो नहीं हटाते हैं कल तक में 1000 ब्लॉक हो जाएगा। जिसको हटाना है कल तक सब हटा लें, नहीं तो परसों से प्रशासन हटाएगा और फिर तोड़ फोड़ होगा, जो हम चाहते नहीं। हम चाहते हैं कि आप खुद अपने आप को रियलाइज करें और मोती झील के लिए अपना त्याग करें। जो गलती आपने किया है उस गलती को आप सुधार लें। हटा लो बाबू, आगे अभी रोड की जमीन गाड़ियों के चलने के लिए है। ब्लैकटॉप के बाहर जो फ्लैंक है, फुटपाथ है, वो फुटपाथ ही लोगों के चलने के लिए है और उसके बियॉन्ड उसका अपना सर्विस लेन होता है। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कोई भी किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट नहीं होगा। जहां किसी ने इंक्रोचमेंट कर रखा है उनको खुद ब खुद हटा लेना है, यही उचित होगा और यही अपील की जा रही है। क्योंकि 2-4-5 अतिक्रमणकारियों को भले ही इससे उनको सहूलियत मिल जाए, लेकिन उनके इंक्रोचमेंट की वजह से हजारों और लोगों को परेशानियां होती हैं। छोटे बच्चों को स्कूल पहुंचने में विलंब होता है, मरीजों को अस्पताल पहुंचने में कठिनाई होती है, आम लोगों को रोज आने जाने में तकलीफ होती है। तो ये शहर के लोगों की तरफ से भी पहल होनी चाहिए कि कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से पूरा शहर क्यों परेशान है। तो चूंकि ये स्थिति बनी है, इसलिए प्रशासन के यहाँ के लोकल सभी ऑफिसर्स इसमें और यहाँ के लोगों को, आप जैसे मीडिया के साथियों को साथ लेकर के चल रहे हैं और सड़कों की जो जमीन है, सड़कें हैं, उन सबको इंक्रोचमेंट फ्री करने का ड्राइव चल रहा है, ये अनवरत चलेगा। इसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण बात है कि शहर का जो सबसे महत्वपूर्ण शहर की जो पहचान है वो मोती झील से। मोती झील का पिछले कई दशकों में, वर्षों में एक हिस्सा है जो इंक्रोच हो चुका है। कई इलीगल तरीके से सरकारी कर्मियों की भी उसमें भूमिका परिलक्षित हो रही है। उन लोगों को भी चिन्हित करके उनको दंडित किया जाएगा और किया जा रहा है। इसके साथ साथ जितने लोगों ने भी इंक्रोचमेंट किया है उन सबको चिन्हित करके पहले से ही इंक्रोचमेंट केस के तहत कार्रवाई की गई है, सुनवाई की गई है, ऑर्डर पास किया जा चुका है, लेकिन लोगों ने इंक्रोचमेंट नहीं हटाया। अभी भी मौका है कि वो खुद ब खुद अपने इंक्रोचमेंट खुद से हटा लें। जो गलती उन्होंने किया है उसको खुद सुधार लें। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये एक अच्छे नागरिक की पहचान होगी और इस रूप में वो काम कर पाएंगे, देखे जाएंगे। नहीं करते हैं तो प्रशासनिक जवाबदेही है, इसके तहत इंक्रोचमेंट हटाने का काम किया जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे शहरवासियों से, नागरिकों से अपील करता हूं कि मोतिहारी शहर की पहचान मोती झील से है। यदि मोती झील नहीं है तो मोतिहारी शहर में मोती कहां होगा? मोतिहारी का जो मोती है वो मोती झील से है। यदि मोती झील नहीं तो मोतिहारी शहर मोतिहारी नहीं बल्कि हारी शहर होगा। तो यदि हारी नहीं बल्कि मोतिहारी बने रहना है तो मैं इस शहर के आम नागरिकों से निवेदन करता हूं कि वो सब इस अभियान का हिस्सा बने। मोती झील का अतिक्रमण मुक्ति केवल प्रशासन के लिए एक एक्टिव कार्रवाई होने का प्रश्न नहीं है, पूरे शहर के लोगों की ये भागीदारी से मोती झील को हमें अपने वास्तविक स्वरूप में लाना है, इसकी साफ सफाई करनी है और सरकार के द्वारा जो योजनाएं
लाई गई है मोती झील के सौंदर्यीकरण के लिए, उसको भी हमें पूरा करना है। सर कब से ड्राइव चलेगा? एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है। आज भी जो ये पूरा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है कि लोगों को खुद तैयार करना, लोग खुद समझें और लोग खुद ब खुद अपना एनक्रोचमेंट हटा लें। कानून भी यही कहता है, लेकिन अगर वो नहीं हटाते हैं तो हमारे लोकल ऑफिसर्स की टीम ने परसों 14 तारीख से ड्राइव चलाने का डेट फिक्स किया हुआ है। इसकी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी लोगों तक सूचना भी दे दी गई है, माइकिंग कराई गई है और कोर्ट से ऑर्डर भी पास हो चुका है। तो जिन जिन मामलों में पूरी क्लैरिटी है वहां पर परसों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और अतिक्रमण अगर खुद लोग हटा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि प्रशासन को अतिक्रमण हटाना पड़ा तो अतिक्रमण हटाने में मशीन में जो खर्चा होगा, मजदूर में जो खर्चा होगा, वो सारे खर्चे की वसूली भी इनक्रोचर्स के माध्यम से किया जाएगा। सर नगर परिषद तो खुद सबसे बड़ा अतिक्रमणकारी होता है, ऑफिस ही मोती झील। जहाँ जहाँ नगर परिषद हो या कोई भी सरकारी विभाग हो, यदि इनक्रोचमेंट उन्होंने किया है या करवाया है तो उनको खुद भी इस चीज को करना पड़ेगा, अन्यथा दंड के वो भी भागीदार होंगे।